घाटों का शहर बनारस है ये। हम आपको बता दें, अभी हम बनारस के दशाश्वमेध घाट पे हैं और दशाश्वमेध घाट की जो पौराणिक कथाएं हैं, हम आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किया था। यहाँ स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बता दें, वही अश्वमेघ यज्ञ जो श्री रामचंद्र ने रामायण में किया था अपने प्रजा के विस्तार के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए। और काशी के घाटों में दशाश्वमेध घाट का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर सायं प्रातः यात्रियों का समूह दृष्टिगत होता है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आते रहते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पे इस स्थल को ब्रह्मा द्वार भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम रुद्र सरोवर है। गंगा के आगमन के साथ ही रुद्र सरोवर ही तीर्थ गंगा में विलीन हो गया और यह स्थल काशी का प्रमुख तीर्थ स्थल ही बना रहा और इसे प्रयागराज घाट कहा जाने लगा। काशी के घाटों में 3 घाट प्रमुख हैं, उनमें भी यह घाट प्रधान है। जो भी कर्म यहाँ पर किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। अगर आपको भी बनारस आने का मौका मिले तो दशाश्वमेध घाट जरूर आइए, यहाँ दर्शन कीजिए और यहाँ जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण रूप से फलीभूत होगी। बालाजी बाजीराव पेशवा के द्वारा सन 1748 में, जी हाँ बता दें, बालाजी बाजीराव पेशवा के द्वारा सन 1748 में इस घाट का निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर प्रातः एवं सायंकाल गंगा जी की आरती होती है, जिसकी छटा मनोरम होती है, दृश्य मनोहर होता है। दर्शनार्थी विशेष तौर पे उस आरती को ही देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। अभी हमारे साथ गोकुल दास जी हैं जो बनारस से बिलोंग करते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से बिलोंग करते हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं दशाश्वमेध घाट के बारे में और बनारस के बारे में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका डिपिकल वॉइस पे। थैंक यू। सर, कुछ क्या खासियत है इस दशाश्वमेध घाट की, क्या पौराणिक कथाएँ हैं इससे जुड़ी हुई? ये पौराणिक कथाओं के बारे में तो बहुत विस्तार से जाना पड़ेगा जी। लेकिन जहाँ तक हमारा जो ज्ञान बोलता है जी, ये काशी विश्वनाथ जो है, काशी नगरी जी, बाबा विश्वनाथ की धर्म नगरी है जी, जो कि काशी को धर्म से संबंधित और धर्म के जितने भी काम होते हैं, अच्छे या बुरे, मतलब पैदाइश हुई तो भी काशी में। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हाँ मोक्ष मिले तो मोक्षदायिनी गंगा भी बह रही है जी। तो मोक्षदायिनी गंगा के होने के बाद नाते ये हर धर्मों से जुड़ा हुआ है जी। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा विश्वनाथ आते हैं तो उससे इनकी और भी महत्वता बढ़ जाती है, बनारस की महत्ता बढ़। हाँ जी। और यहाँ पर हमारे दशाश्वमेध घाट के ठीक बगल में मणिकर्ण का घाट है, जहाँ पर ये पुरानी कहानी चली आ रही है, किदवंती चली आ रही है कि यदि यहाँ पर मोक्ष मिला, यहाँ पर प्राण निकला, तो यहाँ पर मोक्ष से द्वारा सीधे भगवान के द्वार में जाएंगे, है ना, बैकुंठ। जैसे कहते हैं कि अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई। यदि आपने जीवन भर भक्त भक्ति किया है, भगवान की सेवा किया है, तो अंत यहीं पर बहुत अच्छा बीतेगा। ये यहाँ की एक कहावत है। इन्होंने बताया कि ये जो नगरी है ये मोक्ष नगरी है। यहाँ पे अगर आपका अंतिम समय बीतता है, अगर यहाँ पे अगर आपकी अंतिम समय अगर यहाँ निकालते हैं आप, तो सीधे आपको मोक्ष मिलता है, बैकुंठ में आपको जगह मिलती है। देखते रहिए डी पीपल वॉइस। धन्यवाद।